हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल 5G स्टडी। आज की वीडियो में जो है हम अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना क्या क्या है, हमारे पास जो है ये तीन फॉर्मूला है। इसमें अगर हमको कोई भी ऐसा टर्म पूछा रहा, लाइक फर्स्ट टर्म, टेंथ टर्म और एंथ टर्म, कोई भी टर्म पूछा रहा तो हमको TN वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर सम ऑफ टर्म्स पूछा रहा, मीन्स जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100 या ऑड नंबर पूछा रहा, ऐसा करके अगर हमको सम पूछा रहा तो हम ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें देख लेते हैं ए क्या होता है। ये होता है हमारा जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, या हम बोल देंगे जो पहला सीक्वेंस का नंबर होता है वो दिया रहता है हमको ए। एंड डी क्या रहता है, इन लोग के बीच का कॉमन डिफरेंस, मीन्स जो डी होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है कि जो हमारा सिक्वेंस है उसके बीच में कितने का डिफरेंस है, वो होता है डी। देन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको एक सिक्वेंस दिया हुआ है हमारे पास -10, -6, -2 एंड 2। तो हमको क्या पूछा है, डी क्या होगा, हमको डी फाइंड करना है। सो इट्स टू सिंपल, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला हम सीक्वेंस लिख लेते हैं, हमने यहाँ लिख लिया -10, -6, then -2 एंड 2। यहाँ हमने सीक्वेंस लिख लिया, ये हो गया हमारा सीक्वेंस। नाउ इसमें क्या होता है, हमारा पहला टर्म हम उसे ए भी बोल सकते हैं या T1 बोल सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म। वो क्या दिया हुआ हमको क्वेश्चन में, -10 गिवन है, हमने यहाँ -10 लिख लिया। देन हमारा T2 हमको क्या दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है -6, हमने यहाँ लिख लिया -6। T3 हमको गिवन है क्वेश्चन में, T3 हमको गिवन है -2, हमने यहाँ लिख लिया -2। एंड T4 हमको कितना गिवन है, T4 गिवन है 2, तो हमने यहाँ लिख लिया 2। ये जो है हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे थे हम, तो हमने जैसा टर्म दिया था वैसा लिख लिया। नाउ हमको डी फाइंड करना है, तो हम डी कैसे फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस करेंगे तो हमको डी मिलता जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, मीन्स ये जो है ये पहला है, उसके बाद जो है नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करना है। मीन्स हम क्या करेंगे, T2 में से T1 माइनस करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे तो हमको डी मिलेगा। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। T2 की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 6, एंड माइनस का माइनस एज इट इज रहने वाला है। फिर T1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 10, मीन्स -10 है, हमने यहाँ -10 लिख दिया। हम एक साथ कभी भी दो सिग्नेचर को साथ में नहीं लिखते हैं, तो हम इसे ब्रैकेट में ले लेंगे। ये -6 का -6 एज इट इज रहने वाला है, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस एंड प्लस 10, ठीक है। नाउ 6 में से 10 गया तो हमको बचेगा 4, एंड जो बड़े के पास हमारी सिग्नेचर है वो प्लस है, मीन्स हमारा जो डी आया वो क्या है, पहला जो डी है वो पॉजिटिव 4 है। देन देखते हैं ये हो जाएगा T3 माइनस T2, हमने यहाँ लिख दिया T3 माइनस T2। यहाँ T3 हमको कितना गिवन है, T3 गिवन है -2, ये है T1, ये है हमारा T2, ये है T3 एंड ये है T4। नाउ हम T3 हमारे पास है गिवन -2, फिर क्वेश्चन का माइनस हमने लिख लिया यहाँ पे। T2 हमारे पास -6 है तो हम यहाँ लिख देंगे -6। अब मूव करते हैं, ये देखते हैं -2 एज इट इज रहने वाला है, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास +6 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4। लेकिन बड़े के पास हमारे पास पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे भी आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। देन हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ टर्म की तरफ। फोर्थ टर्म में इनसे T4 माइनस T3 करेंगे। T4 क्या है हमारा, T4 जो है हमारा है वो 2, फिर माइनस का एज इट इज रहने वाला है। देन हमारे पास T3 क्या दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है -2, हमने लिख दिया, यहाँ आएगा 2 का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस एंड 2 का 2 लिख देंगे। 2 प्लस 2 हमारे पास हो जाता है 4, मीन्स हम तीनों का जो डिफरेंस देख रहे हैं, इसका एंड इसका, यहाँ ये तीनों का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, मीन्स हमारा जो है ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और जो उसका डी कितना है हमारे पास, डी कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया, मीन्स हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। देन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमको, ए डी एंड T3 फाइंड करना है। हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है, हम फाइंड करते हैं। हमारा जो हमको पता है हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, ए। तो ए दिया हुआ है कितना, 1, हमने यहाँ लिख लिया 1, एंड ये हो गया ए, ये होता है हमारा हो गया ए, ये T2, ये T3 एंड ये T4, ऐसे सो ऑन चलती रहेगी हमारी सीरीज। हमको पता है ए जो है हम T1 को भी बोलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को भी। इसके अकॉर्डिंग हम डी फाइंड कर लेते हैं। हम डी कैसे फाइंड करेंगे, T2 माइनस T1 करके। हमारे पास T2 कितना क्वेश्चन में गिवन है, 5 माइनस 1 कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4। नाउ हम क्या करते हैं, T3 माइनस T2 करते हैं। T3 माइनस T2 करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास क्वेश्चन में, T3 गिवन है 9 एंड T2 कितना गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, 5। 9 माइनस 5 भी 4 होता है, हमने यहाँ लिख दिया 4। नाउ हम देखते हैं T4 माइनस T3 करते हैं। T4 माइनस T3 किया हमने, यहाँ T4 हमारे पास कितना गिवन है, 13, हमने यहाँ लिख दिया 13। माइनस 9 करेंगे तो भी हमको कितना मिल जाएगा, 4, मीन्स हमारा जो कॉमन डिफरेंस है
वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, हमने यहाँ 4 लिख दिया। एंड T3 हमको क्वेश्चन में ही गिवन है, क्वेश्चन में कितना गिवन है, T3 9, तो हमारा जो रहेगा आंसर वो 1 4 और 9 रहेगा। हम यहाँ देखते हैं 1 4 और 9 यहाँ है, तो हम बी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। हम सी ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते थे क्योंकि ऑप्शन के जो नंबर थे वो सेम ही थे, बट हमको पहले ए पूछा था तो हम ए के हिसाब से चलेंगे, देन डी था तो फिर हम सेकेंड टर्म, देन हमारा जो थर्ड था वो T3 था, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर ये रिवर्स में पूछा होता तो हम ऑप्शन सी सिलेक्ट करते, लेकिन जो है इसमें पहले ए डी एंड T3 पूछा था तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, तो T30 मीन्स हमारा जो 30 टर्म क्या रहेगा वो हमको फाइंड करना है। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है टर्म फाइंड करने का वो होता है TN इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था, हमने यहाँ लिख लिया TN इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्वेश्चन में तो हमको हर चीज गिवन है, यहाँ हमको T30 गिवन है। नाउ ए कितना गिवन है हमको, 3, हमने यहाँ लिख दिया 3, प्लस का प्लस एज इट इज रहने वाला है। एन दिया है 30, 30 माइनस 1 मीन्स ये हो जाएगा 29। एंड डी कितना क्वेश्चन में गिवन है हमको, 5, हमने यहाँ लिख दिया 5। अब इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल। पहले क्या सॉल्व होगा, हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होगी, देन फिर क्या होता है डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये क्या होता है हमारा बोडमास रूल होता है। बोडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन, मीन्स इसका क्या करेंगे हम, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा पहले जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 का 3 एज इट इज, प्लस हम क्या करेंगे 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा 145, हमने यहाँ लिख दिया 145 ना। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 148, मीन्स जो हमारा T30 है, यानी जो 30 टर्म थे, जो हमारा 30 टर्म है वो क्या है, 148 है। तो हम अपना ऑप्शन सी सिलेक्ट कर लेंगे। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या है, द सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज माइनस 1, मीन्स हमको T7 दिया हुआ है माइनस 1, एंड जो 16th टर्म है उसका जो 16 मीन्स T16 है वो हमारे पास गिवन है 17, तो हमको जो डी है वो फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, मीन्स हमारा जो T7 है हमको क्वेश्चन में गिवन है, T7 हमको गिवन है माइनस 1, हम यहाँ लिख दिया माइनस 1, एंड T17 हमको कितना गिवन है, T17 हमको गिवन है 16, हमने यहाँ लिख दिया। नाउ हमको डी पूछा है तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा TN के अकॉर्डिंग T7 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, हमने यहाँ लिख लिया ए प्लस एन माइनस 1 डी। नाउ T7 का T7 की प्लेस में हम लिख ले सकते हैं माइनस 1, क्योंकि T7 की वैल्यू हमको गिवन है माइनस 1। ए भी हमको नहीं पता है, हम यहाँ ए की जगह एज इट इज रहने देंगे। अगर हम इसे TN से कंपेयर करें तो यहाँ जो 7 है वो N की प्लेस पे है, मीन्स N की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो 7 माइनस 1 हमारे पास कितना होता है, ये हो जाएगा 6D। ये हमको मिल गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, हम यहाँ इसे नेमिंग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 करके। देन देखते हैं T16 के लिए भी हमारा फॉर्मूला सेम रहने वाला है, TN इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D, हमने यहाँ लिख लिया अपना फॉर्मूला। लिखने के बाद TN मीन्स हमारा जो है वो T16 है, T16 इक्वल टू A प्लस, हम A को एज इट इज रहने देंगे बिकॉज हमको A की वैल्यू नहीं पता है। ये हो जाएगा 16 माइनस 1 मीन्स ये हो जाएगा 15, D का D ऐसे ही रहने वाला है। T16 की वैल्यू हमको कितनी गिवन है 17, तो हम यहाँ लिख देंगे 17 इक्वल टू A प्लस 15D। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, हम इसे नेमिंग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 की, हमने यहाँ डाल दिया 2। नाउ हम क्या करेंगे, हम अपनी हमको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिल गई, हम लोग इसको क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ माइनस की साइन, माइनस इक्वेशन 1 एंड 2 हमने शॉर्टकट में लिख दिया क्योंकि हमको एक मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हो जाएगा माइनस 1 का माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस 60, हमने यहाँ लिख दिया ए प्लस 60। इक्वेशन 2 हमारे पास है 17, हम 17 एज इट इज रखेंगे इक्वल टू ये है ए प्लस 15D, हमने यहाँ लिख दिया 15D। नाउ अब हम इसे क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो है ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमको कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या बचेगा माइनस 9D, हम इसे माइनस 9D ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा माइनस 18 बिकॉज या माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस मीन्स 17 प्लस 1 18, लेकिन ये बड़े के पास जो है माइनस, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, ये माइनस से माइनस कट जाएगा एंड ये हो जाएगा 18/9। यहाँ जो है वो 9 मल्टीप्लाई कर रहा था तो यहाँ के वो डिवाइड करने लगेगा इक्वल टू डी, हम एज इट इज रखेंगे। नाउ 9 1 9, 9 2 18, मीन्स हमको डी की वैल्यू कितनी मिल गई, हमको जो डी की वैल्यू मिल गई वो मिल गई 2, तो हम यहाँ जो ऑप्शन बी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है हमारे पास एक एपी है, उसमें हमको 7th टर्म डी दिया हुआ है, तो हमको ए फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं TN इक्वल टू ए प्लस
एन माइनस वन डी, ये हमने क्या किया अपना फॉर्मूला लिख लिया। नाउ टी सेवन, टी सेवन मीन्स हम यहाँ लिख लेते हैं पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये हो जाएगा टी सेवन इक्वल टू, ए तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ नहीं है, ए फाइन करना है तो ए की जगह ए एज इट इज रहने वाला है। नाउ सेवन, सेवन दिया हुआ है एन की प्लेस पे, तो हम यहाँ लिख देते हैं सेवन माइनस वन डी, हमको कितना गिवन है माइनस फोर, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस फोर। टी सेवन हमको गिवन है फोर, तो हम यहाँ लिखते हैं फोर, ए का ए एज इट इज रहने वाला है, प्लस सेवन माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स, तो हम यहाँ लिख देते हैं सिक्स, ये माइनस फोर का माइनस फोर एज इट इज रहने वाला है, ये हो जाएगा फोर इक्वल टू ए, तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, सिक्स फोर सा कितना होता है, सिक्स फोर सा होता है ट्वेंटी फोर, तो हमने यहाँ लिख दिया ट्वेंटी फोर। नाउ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस फोर, ट्वेंटी फोर प्लस फोर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा ट्वेंटी एट, तो जो हमारी ए की वैल्यू है वो कितनी है ट्वेंटी एट, आंसर पॉजिटिव में है, तो हम अपना ऑप्शन जो भी रहेगा वो पॉजिटिव वाला सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फिफ्टींथ टर्म फाइंड करना है, मीन्स हमको जो है वो टी फिफ्टीन फाइंड करना है, हमको एक सीक्वेंस दिया हुआ है थ्री नाइन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी वन, जिसमें से हम अपना डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। फाइंड करने के लिए हमको अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या क्या नीड है, हमको ए चाहिए, एन चाहिए एंड डी चाहिए, तो एन तो हमको गिवन है फिफ्टीन, एन जो है वो फिफ्टीन गिवन है, ए और डी हमको सिक्वेंस से मिल जाएगा, तो पहले क्या करते हैं हम ए और डी फाइंड कर लेते हैं। ए जो होता है हमारा वो फर्स्ट टर्म होता है, हमको पता है, हमने लिख लिया थ्री, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस यानी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस करना है, नाइन माइनस थ्री करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सिक्स, एंड अगर हम फिफ्टीन माइनस नाइन करते हैं, हम फिफ्टीन माइनस नाइन करेंगे तो भी हमको मिलेगा सिक्स, एंड अगर हम ट्वेंटी वन माइनस फिफ्टीन करते हैं तो भी हमको कितना मिलेगा सिक्स मिलेगा, मीन्स हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है सेम आ रहा है, तो ये हमारा सिक्वेंस ए पी में है। अब हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, हमको ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, एन भी मिल गया, यही तीनों की नीड रहती है। नाउ हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हम क्या करेंगे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है हमारा जो है फाइंड करने का फॉर्मूला कोई भी एंथ टर्म। नाउ जो है ये हो जाएगा टी फिफ्टीन इक्वल टू, ए की वैल्यू हमको मिल गई थी थ्री, हमने यहाँ पुट कर दिया थ्री, प्लस का प्लस एज इट इज रहने वाला है, एन की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो फिफ्टीन है, फिफ्टीन माइनस वन कर देंगे तो हमको मिल जाएगा फोर्टीन, डी हमको पता है डी कितना है सिक्स, हमने यहाँ लिख दिया सिक्स। नाउ थ्री का थ्री एज इट इज रहने वाला है, प्लस फोर्टीन इंटू सिक्स, 14 सिक्स कितना होता है 84, हम यहाँ लिख देते हैं 84, 84 प्लस 3 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 87, मींस हमारा जो टी 15 है यानी हमारा जो 15th वाला टर्म है वो कितना है 87, तो हम अपना ऑप्शन सी सिलेक्ट कर लेंगे। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 30th टर्म ऑफ ए पी फाइंड करना है, ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें जो है हम देख लेते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। हम क्वेश्चन में से क्या क्या हमें कलेक्ट करना है, ए कलेक्ट करना है, डी कलेक्ट करना है, एन जो है वो हमको गिवन है, थर्टी टर्म बोला है मीन्स नंबर दिया हुआ है हमको थर्टी, या हमने लिख लिया, ए हमारे पास है टेन, डी जो है वो कैसे फाइंड करेंगे नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस कर करके, तो यह हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सेवन माइनस टेन, सेवन माइनस टेन करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, हमको मिलेगा माइनस थ्री, क्योंकि बड़े के पास माइनस है। देन यहाँ हो जाएगा फोर माइनस सेवन, फोर माइनस सेवन भी करेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस थ्री, हमने यहाँ लिख दिया, मीन्स हमारा जो थ्री है या कॉमन डिफरेंस है वो आने वाला है माइनस थ्री। अब हम क्या करते हैं फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है वो है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, हमने यहाँ क्या किया पहले अपना फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला लिखने के बाद हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टी एन हमको कितना गिवन है, टी एन जो है वो नहीं गिवन है, हमको टी थर्टी फाइन करना है तो हम एन की जगह यहाँ थर्टी पुट कर देंगे, ए की वैल्यू गिवन है हमको टेन, हमने यहाँ लिख दिया टेन। नाउ एन माइनस वन, एन माइनस वन यानी ट्वेंटी नाइन हो जाएगा, थर्टी ये हो जाएगा थर्टी माइनस वन, थर्टी नाइन माइनस वन होता है ट्वेंटी नाइन, डी की जगह हम पुट कर देंगे माइनस थ्री, हमने यहाँ लिख दिया। नाउ टेन का टेन एज इट इज रहने वाला है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, एंड अगर हम ट्वेंटी नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा एटी सेवन, हमने यहाँ लिख दिया एटी सेवन। हम माइनस करेंगे तो एटी सेवन में से अगर टेन गया तो मिलेगा हमको सेवेंटी सेवन, बट हम बड़े की साइन हमेशा कैरी करते हैं तो यहाँ माइनस है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा, ये हमारा जो सी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में हमको दिया हुआ है व्हाट इज द फिफ्थ टर्म, हमको जो है वो फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, और जो है हमको क्वेश्चन में सीक्वेंस दिया हुआ है माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट सो ऑन, तो हम इजीली हम तो खुद ही समझ सकते हैं अगर यहाँ माइनस एट है तो ऑब्वियस माइनस टेन ही आने वाला है, बट हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारा ए कितना गिवन है माइनस टू, हमने यहाँ लिख लिया माइनस टू,
डी हम कैसे फाइंड करेंगे? डी से फाइंड करेंगे नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करते जाएंगे, हमारा नेक्स्ट टर्म जो है वो माइनस फोर है, माइनस यहाँ हो जाएगा, माइनस करना है तो बीच की साइन तो माइनस ही रहने वाली है, ये हो जाएगा माइनस टू, हमने लिख लिया। नाउ माइनस फोर का माइनस फोर एज इट इज, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा टू, फोर में से टू जाएगा तो हमको मिलेगा टू, बट बड़े के पास माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे तो हमको एक जो है वो मिल गया। देन हम वापस से डी देख लेते हैं, डी मीन्स ये हो जाएगा टी थ्री माइनस टी टू, टी थ्री माइनस टी टू कर लेते हैं, टी थ्री मतलब थर्ड टर्म, थर्ड टर्म हमारे पास गिवन है माइनस सिक्स, ये जो है क्वेश्चन का माइनस एज इट इज। नाउ टी टू, टी टू हमको गिवन है माइनस फोर, हमने यहाँ लिख लिया माइनस फोर, ये हो जाएगा सिक्स माइनस माइनस प्लस एंड फोर का फोर एज इट इज, माइनस सिक्स प्लस फोर करेंगे तो हम तो हमको टू मिलेगा, लेकिन बड़े के पास माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे। हमको डी भी मिल गया, हमको डी कितना मिला, हमको डी मिला माइनस टू, हमने यहाँ लिख दिया। नाउ अगर हमको नेक्स्ट टर्म मालूम करना है या फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, अपना जो लास्ट टर्म रहता है उसमें डी ऐड करते जाते हैं, तो हमारा जो लास्ट टर्म है वो क्या है, टी फोर है, हम यहाँ लिख देंगे टी फोर, उसमें क्या करना है हमको, डी को ऐड करना है तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलेगा। टी फोर कितना है, माइनस एट है, हमने यहाँ लिख दिया, प्लस का प्लस एज इट इज बिकॉज ये क्वेश्चन वाला है तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। नाउ डी की वैल्यू हमारे पास है टू, डी की वैल्यू है हमारे पास माइनस टू, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस टू, माइनस एट का माइनस एट एज इट इज ही रहेगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, टू का टू लिख दिया हमने, माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, ये हो जाएगा एट प्लस टू टेन, लेकिन बड़े की साइन माइनस है तो हम माइनस ही प्रीफर करेंगे, तो हमारा जो ऑप्शन ए रहेगा वो करेक्ट रहेगा। देन देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट थर्टी नेचुरल नंबर, मीन्स हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट जो थर्टी नेचुरल नंबर है यानी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस टिल कहाँ तक जाना है, हमको थर्टी तक जाना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स स्टार्ट। इसमें जो है हमको बहुत ही सिंपल तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं हमारे आंसर को, इसमें हमको सम पूछा है यानी हमको SN वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इसमें हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट है एंड लास्ट टर्म हमारे पास जो गिवन है वो 30 है, तो हम इसे क्या करेंगे, n अपॉन n, ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, हमको इजीली आंसर मिल जाएगा। n अपॉन टू को हम, n जो है हमारे पास गिवन है 30, मीन्स हमको s 30 फाइंड करना है, सम बोला इसलिए हम s यूज करेंगे, n की जगह हम यहाँ लिख देते हैं 30 एंड ये हो जाएगा 30 प्लस 1, हमने यहाँ लिख दिया। नाउ ये अपॉन में 2 एज इट इज रहने वाला है, 2 अंजर 2 यहाँ कैरी गया तो ये हो जाएगा 10, 2 5 जो होता है 10, हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, हमारे पास ऊपर बचेगा 15 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 31। नाउ 15 इंटू 31 करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 465। अगर आपको डाउट है तो आप पहले वीडियो पॉज करके इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, आंसर जो आने वाला है वो आएगा 465। मीन्स अगर एडिशन करेंगे लाइक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे सो ऑन अगर हम जाएंगे प्लस 30 तक एडिशन करेंगे तो हमारे पास कितना नंबर आने वाला है, 465, टोटल एडिशन कितनी हो जाएगी, 465, तो हमारा जो डी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। देन मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एपी की एक सीरीज दी हुई है 5, 12, 19 करके एंड उसमें कितने टर्म है, टोटल 50 टर्म्स हैं एंड उसका जो लास्ट टर्म है वो क्या होगा वो हमको फाइंड करके बताना है, उसका जो लास्ट टर्म होगा वो हमको फाइंड करके बताना है। तो हम पहले सीक्वेंस में से हमको क्या क्या मिल सकता है हम लिख लेते हैं डेटा को। ए हमको मिलेगा 5, मीन्स हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वो होता है 5, तो हमने यहाँ लिख लिया 5। नाउ डी, डी कैसे हम फाइंड करेंगे, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करते जाएंगे, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 7 एंड अगर हम उसी तरह 19 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो भी हमको 7 ही मिलेगा, हमने यहाँ लिख लिया। नाउ हमको एन दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो हमको एन कितना दिया हुआ, 50 टर्म, मीन्स हमारे पास टोटल कितने टर्म है, 50 है, तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50, हमने यहाँ n की वैल्यू भी पुट कर दी। नाउ हम क्या करते हैं, आंसर फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है टर्म फाइंड करने का डी एन वाला वो यूज करेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, हमने यहाँ अपना फॉर्मूला लिख लिया। नाउ ए की वैल्यू हमें पता चल गई है क्वेश्चन से, यहाँ है 5 प्लस एन जो है हमारे पास यहाँ है 50, 50 माइनस 1 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 49, हमने यहाँ लिख दिया 49। डी की वैल्यू हमको मिल गई है 7, तो हम यहाँ लिख देते हैं 7। नाउ 5 का 5 हमारे पास एज इट इज रहने वाला है, अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल पहले क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 343, हम यहाँ लिख देते हैं 343। नाउ अगर हम इन लोग दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 348, हमने ऐड करके लिख दिया 348, मींस हमारा जो T50 है या जो हमारे पास लास्ट टर्म है इस सीक्वेंस का वो क्या रहने वाला है, 348 रहने वाला है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा। देन मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टू टर्म्स दिए हुए हैं माइनस 3 एंड 4, तो हमको क्या फाइंड करना है, 21
टर्म, मतलब जो 21 पे कौन सा टर्म आएगा वो हमको फाइंड करना है चारों में से। तो हमको फर्स्ट टू टर्म्स मीन्स T1 एंड T2 दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, ऑब्वियसली टू टर्म फर्स्ट टू टर्म्स बोला है मीन्स T1 एंड T2 ही होगा वो। तो हम यहाँ लिख लेते हैं T1 और A इक्वल टू हमारे पास कितना होने वाला है -3, हमने यहाँ लिख लिया -3। T2 हमारे पास है 4। अब हम इसे D की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, प्रीवियस में से क्या हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 4 -3। अब हमारे पास ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 का 3 एज इट इज, 4 प्लस 3 हमारे पास हो जाता है 7, मीन्स हमको D की वैल्यू कितनी मिल गई, D की वैल्यू मिल गई 7। हमने यहाँ क्या किया, 7 लिख दिया। अब देखते हैं हम आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमको T21st पूछा है, मीन्स हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 21 है, हमने यहाँ लिख दिया 21। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। हमने यहाँ क्या किया, अपना फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद n की वैल्यू पे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 21 लिख देंगे। a की वैल्यू हमको गिवन है -3, हमने यहाँ लिख दिया -3, प्लस का प्लस एज इट इज। 21 में से अगर 1 गया तो हमारे पास बचेगा 20, एंड d की पोजीशन पे हमारे पास है 7, तो हमने यहाँ लिख दिया 7। -3 का -3 हमारे पास एज इट इज रहने वाला है, 20 × 7 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 140, बट यहाँ जो है वो प्लस है तो हम प्लस को एज इट इज ही रहने देंगे। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 140 में से अगर 3 गया तो हमारे पास बचेगा 137, लेकिन हमारे पास बड़े के पास प्लस है तो हमारा आंसर जो आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है, मीन्स हमारी जो T21 की वैल्यू है वो कितनी है, 137 है, तो हमारा जो ऑप्शन सी रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3, 8, 13 एंड 18। तो क्या बोला है, हमारा जो कौन सा टर्म होगा वो क्या होगा, 78 होगा, मीन्स हमको इसमें एन पूछा है, हमारे एन कौन से नंबर पे जो है वो 78 आएगा। तो हम इसको फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। हमको ए क्वेश्चन में गिवन है 3, हमने यहाँ लिख दिया 3। क्वेश्चन में हमको डी गिवन है 5, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5। अगर हम डी कैसे निकालेंगे, माइनस करके 8 माइनस 3 करेंगे तो 5, 13 माइनस 8 करेंगे तो भी हमको 5 मिलेगा, एंड 18 माइनस 13 करेंगे तो भी हमको 5 ही मिलेगा। एंड टी एन टी एन मीन्स हमको लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 78। हमको यहाँ एन की वैल्यू जो है फाइंड करना है, एन की कोई वैल्यू हमको गिवन नहीं है, हम एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है हम वही यूज करेंगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, हमने यहाँ अपना फॉर्मूला लिख लिया। ना ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3, हमने यहाँ लिख दिया 3, प्लस का प्लस एज इट इज। एन की वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम n माइनस 1 एज इट इज ही रखेंगे। d कितना गिवन है, 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। अब क्या करते हैं, ये हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 78 इक्वल टू 3 का 3 प्लस 5 इंटू n हो जाएगा हमारे पास 5n, एंड माइनस का माइनस, 5 वन हो जाता है हमारे पास 5। अब हम यहाँ क्या करते हैं, पहले 3 माइनस 5 करेंगे तो हमको मिल जाएगा -2, प्लस 5n का 5n एज इट इज ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 78। अब 78 हमने लिख दिया, यहाँ जो है वो 2 किस में है, माइनस में है, तो यहाँ के हो जाएगा प्लस, हमने प्लस लिख दिया। यहाँ बचा 5n। अब जो है 78 प्लस 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 इक्वल टू 5n। अब ये दोनों क्या कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ आके वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 80/5। 80/5 करेंगे तो हमारे पास जो n की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 16। तो हम जो है अपना ऑप्शन डी यानी फोर्थ ऑप्शन क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। हमारे n की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 16। देन देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250। मीन्स हमको क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 4 फाइंड करना है, मींस ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकता है। हमको रेंज क्या दी हुई है, 10 to 250, मींस हमको डी दिया हुआ है 4, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है यानी सबके बीच का डिफरेंस कितना होगा 4, एंड ए कितना गिवन है, ए जो है वो हमको गिवन है 10, लेकिन हम 10 नहीं लेंगे बिकॉज 10 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो नंबर स्टार्ट होगा वो 12 से स्टार्ट होगा, हमने यहाँ लिख दिया 12। एंड हमको Tn दिया हुआ है, Tn मींस हमारा जो लास्ट टर्म दिया हुआ है वो 250 है, बट 250 भी जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है, जो लास्ट नंबर इससे पहले जो डिवाइड होता है वो 248 है, तो हमने यहाँ क्या किया, 248 लिख दिया। इसमें भी हमको क्या है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम अपना फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, हमने यहाँ क्या किया, अपना फॉर्मूला यूज किया। Tn की वैल्यू हमको गिवन है 248, हम यहाँ लिख देंगे 248 इक्वल टू एज इट इज रहने वाला है। ए की वैल्यू हमको कितनी पता चली है, 12, हम यहाँ लिख देंगे 12। n की वैल्यू हमको कुछ नहीं पता है, n हमको फाइंड करना है, तो n माइनस 1 तो एज इट इज ही रहेगा। एंड d की वैल्यू है 4, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4। नाउ
हम इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले यहीं पे, ये हो जाएगा 12 का 12 एज इट इज, हमने यहाँ 12 एज इट इज ही रखा है, प्लस 4 इंटू एन हो जाएगा 4n, ये हो जाएगा माइनस 4, वन सा होता है 4। अब हम इन लोग दोनों को पहले माइनस कर लेते हैं, नंबर वाला अपने नंबर के साथ माइनस होता है, तो 12 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 8, प्लस 4n एज इट इज ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, 8 जो है यहाँ क्या कर रहा है, वो प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 248 माइनस 8, यहाँ क्या बचा हमारे पास 4n बचा, हम उसे एज इट इज ही रहने देते हैं। नाउ हमारे पास 248 में से अगर 8 माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 240, एंड यहाँ क्या बचेगा, 4n हमारे पास रहने वाला है। नाउ n की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 240 डिवाइडेड बाय 4, 240 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको n की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, 60 मिल जाएगी। मीन्स 10 to 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर्स हैं जो क्या है, डिविजिबल बाय 4 है या 4 से डिवाइड होते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फाइंड 4 टर्म्स ऑफ एन ए पी, हमको क्या है 4 टर्म ए पी के फाइंड करने हैं। अगर हमको उसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -2, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास है वो भी क्या है -2 ही है, तो हम स्टार्ट करते हैं, हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले टर्म तो हमने एज इट इज लिख दिया, या होता है ए इक्वल टू टी वन इक्वल टू -2 हमने लिख दिया। देन हमको T2 फाइंड करना है, T2 हम कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म में D ऐड करते जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा T2 मिलेगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास जो गिवन है वो है -2, प्लस का प्लस एज इट इज ही रहेगा, D जो है वो हमारे पास है -2, हमने यहाँ लिख दिया -2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, एंड सिग्नेचर जो रहेगी माइनस की। मीन्स हमको T2 कितना मिल गया, हमको T2 मिल गया -4। एंड अब हम देखते हैं T3 को, T3 हमको कैसे फाइंड होगा, T3 भी सेम है, T3 हमको कैसे फाइंड होगा, T2 में हमको D ऐड करना पड़ेगा, मीन्स T2 प्लस D हमने यहाँ लिख दिया। T2 कितना है हमारे पास, T2 क्वेश्चन में गिवन, T2 कितना है, T2 हमारे पास आया है -4, प्लस का प्लस एज इट इज, डी हमारे पास है -2, हमने यहाँ लिख दिया -2, ये हो जाएगा -4, प्लस माइनस होता है -2 का 2, एंड -4 -2 कितना हो जाएगा -6, हमने लिख दिया, हमको T3 के वैल्यू मिल गई। एंड अब हम क्या करते हैं T4 फाइंड कर लेते हैं। T4 फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे T3 में D ऐड करेंगे, T3 हमको अभी पता चला है T3 है -6, एंड प्लस D की वैल्यू हमारे पास है -2, हमने यहाँ लिख दिया -2, ये -6 माइनस माइनस प्लस माइनस होता है -2 का 2, ये हो जाएगा -8। मीन्स हमारा जो सिक्वेंस है वो क्या है, -2 देन -4 -6 एंड -8, मीन्स हमारा जो लास्ट वाला सेकेंड लास्ट वाला ऑप्शन है यानी सी वो करेक्ट है। देन देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, मीन्स ऐसे कितने टू डिजिट्स नंबर है वो क्या है जो डिविजिबल बाय 3 है। तो हमको पता है हमारा जो टू डिजिट नंबर है वो 10 से लेके स्टार्ट होके 99 तक चलता है, ठीक है। तो 10 तो जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, जो हाईएस्ट नंबर है वो है 12 डिवाइड होता है, एंड 99 जो है वो भी डिवाइड होता है। मींस हमारा ए कितना मिल जाएगा, ए जो है मिल जाएगा हमको 12, डी कितना मिलेगा, डी मिल जाएगा 3, मींस सब जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, यानी हमारा डिफरेंस 3 का रहने वाला है। टी एन मींस लास्ट टर्म कितना मिल जाएगा हमको, 99 हमने यहां लिख लिया, जो भी हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेटा गिवन था वो हमने लिख लिया। नाउ अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमको इसमें भी n पूछा है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, हमने यहां फार्मूला यूज कर लिया। नाउ Tn की वैल्यू हमारे पास गिवन है 99, हम यहाँ लिख देते हैं 99, A की भी वैल्यू हमको पता है 12, हमने यहाँ लिख दिया 12, n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, यहाँ n की वैल्यू पे n ही रहने देंगे, D कितना मिला है हमको 3, ये हो जाएगा 99 का 99 एज इट इज रहने वाला है, 12 का 12 ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू एन हो जाएगा 3n, माइनस का माइनस 3 वन सा होता है 3। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 12 माइनस 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 9, प्लस 3n का 3n एज इट इज रहने वाला है, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 99। नाउ ये जो है यहाँ प्लस में है, यहाँ के वो क्या हो जाएगा माइनस, तो 99 माइनस 9 इक्वल टू 3n हो जाएगा, 99 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 90 इक्वल टू 3n। अब ये 3 और n के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, वहाँ जाके ये डिवीजन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 90/3, तो हमको आंसर कितना मिलने वाला है, हमको आंसर मिलेगा 30। मीन्स हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो CET अपीयर करने वाले हैं इस साल। एंड हम लोग जो है वो कल जो भी SN वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है वो क्वेश्चंस देखेंगे, वो भी 10 to 15 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो हमारी जो है वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी।